इमोशनल व्यक्ति का रोल कर रहा हूँ जो अपने कल्चर में बिलीव करता है, अपने संस्कारों में बिलीव करता है, अपनी भारतीय परंपराओं में बिलीव करता है। और आज की जनरेशन जो पुरानेपन को एकदम फेंक देना चाहती है और आगे बढ़ जाना चाहती है, ये कोशिश करता है कि उनको किसी तरह से इसका महत्व समझाया जाए, हमारे परंपरा हमारे संस्कारों का इम्पोर्टेंस समझाया जाए और कुछ ऐसा सामंजस्य पैदा किया जाए कि उनका ये भाव भी बना रहे कि उनको दुनिया फतेह करनी है, बहुत आगे बढ़ जाना है, बहुत बड़े बड़े काम करना है, वो भाव भी रह जाए, वो बहाव भी बना रहे और ये परंपराओं और संस्कारों का महत्व समझ के उनका भी पालन करें। सो ये हमारी भारतीय परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला ये बहुत ही इमोशनल व्यक्ति का कैरेक्टर है, किरदार है, आपको बहुत नयापन दिखेगा इसके अंदर। मेनली हमने वसई में जो एक बड़ा बंगलो हायर किया और पूरे बंगले में ही हमने शूटिंग की है, पूरी फिल्म ऑलमोस्ट हमने वहीं ख़त्म की है। वहाँ काफ़ी गुंजाइश थी अलग अलग लोकेशंस की, मतलब जैसे अगर हमको शमशान घाट चाहिए तो वो भी है वहाँ, अगर रोड चाहिए तो वो भी है वहाँ, मंदिर चाहिए तो वो भी है वहाँ। सो इस तरह की लोकेशन फाइंड आउट करके वहाँ पर हम लोगों ने शूटिंग की है। हाँ मतलब मैं आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि आज की जनरेशन में एक जो उतावलापन क्रिएट हो गया है, ठहराव नहीं है। हमारे टाइम में या हमारी जनरेशन में जो हम जैसे फादर के प्रति जो एक सम्मान, माँ के प्रति जो सम्मान, रिश्तों के प्रति सम्मान जो हम अपने मन में रखते हैं, भाव अपने हृदय में रखते हैं, वो आज की जनरेशन में नहीं है, वो मानती नहीं है इस बात को। वो सोचती है कि बस मैं किसी भी तरह से बहुत प्रोग्रेस कर जाऊँ। बहुत प्रोग्रेसिव है, अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ के प्रोग्रेसिव होने का कोई मीनिंग नहीं है। सो इसमें सामंजस्य पैदा करने की कोशिश है इस फिल्म के अंदर, जो ऐसे समय में आई है जब बहुत ज़रूरत है इस तरह की फिल्म की, इस तरह के सब्जेक्ट की, और पूरी ताकत के साथ ये सब्जेक्ट इस मैसेज को कन्वे करता है। ऐसे हाँ एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ, एक घर का मुखिया एक्सपायर हो गया, ऐसा व्यक्ति एक्सपायर हो गया जिसने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने में, उनको अच्छा करियर देने में, उनको डॉक्टर बनाने में, उनको एक अच्छे धंधा लगाने में पूरा अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो व्यक्ति जब एक्सपायर होता है तो जिनके लिए उसने किया, जो डॉक्टर बन गए, जो धंधा जिन्होंने बड़ा धंधा बना लिया उनकी वजह से, अभी उनके पास टाइम नहीं है। जो हमारे यहाँ एक परंपरा है 13 दिन का शोक मनाने की, वो 13 दिन नहीं है उनके पास। सो वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि यार 3 दिन में ही निपटा लो ना, करना क्या है ये, 3 दिन में 4 दिन में निपटा लो, ऐसे काम होगा। अच्छा उनका वो है कि उनको एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, जब शोक मनाते हैं तो सीधे साधे होकर रहते हैं, घर में सादा खाना खाते हैं, नीचे बैठते हैं। अभी उनको जो बाहर का खाना खाने की जो एक लत पड़ी हुई है वो उनको परेशान करती है। सो अभी उनके पास टाइम नहीं है अपने फादर का उनके मरण का शोक मनाने का, तो कितनी बड़ी बात। सो होता भी यही है कि जल्दी 13वीं मना ली जाती है, और जब उनका संस्कार होता है तो उनको इलेक्ट्रिक वाले उसमें संस्कार कर दिया जाता है। सो टाइम की शॉर्टेज वो हमको भी महसूस होती है जब वो लोग जिस तरह से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके लिए हम अपनी जड़ों को नहीं खो सकते। जो हमारी ताकत है, हमारे हिंदुस्तान की जो ताकत है, हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारे संबंधों में बिलीफ,
सो हमें उन जड़ों को बनाए रखना पड़ेगा। फैन से क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं ऑडियंस से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही इम्पैक्ट के साथ एक ऐसा मैसेज देने के लिए बनी है जो आज की जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में एक सामंजस्य पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी, इसलिए ज़रूर इस फिल्म को देखें। इस फिल्म में भाव प्रधान फिल्म है, ये इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, और अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, अच्छा म्यूजिक है। इस वजह से आप प्लीज़ इस फिल्म को देखें, हॉल में जाएं। थैंक यू वेरी मच। आप भी सर बुंदेलखंड से, और बुंदेलखंड में एक फिल्म आई है अम्मा की बोली, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि लालच व्यक्ति को इतना नहीं गिराना चाहिए, मतलब लालच इतना हावी ना कर ले व्यक्ति कि वो अपने संबंधों को ही खो दे, एक माँ जैसी पवित्र एक रिलेशनशिप को भी नकार दे। इतना लालच हावी नहीं होना चाहिए। ये फिल्म अम्मा की बोली इसी बात पर आधारित है, और पब्लिक को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंड के लिए क्या कहना चाहिए? बुंदेलखंड में इस तरह की फिल्म जितनी मेरी नॉलेज है, ये पहली बार इस तरह से इम्पैक्ट के साथ, इस तरह के अच्छे सब्जेक्ट के साथ ये फिल्म आई है, जो अगर अच्छी तरह से रिलीज़ हो गई तो बहुत बहुत बुंदेलखंड का नाम होगा, बुंदेलखंडी कल्चर का नाम होगा। आपको उसमें किस तरह के किरदार में देख सकते हैं? उसमें मैं बड़े बेटे का किरदार है, लगभग जिस तरह का बड़े बेटे का किरदार इसमें है, इसमें बहुत इमोशनल है, उसमें दोनों चीज़ों का सामंजस्य है। सो एक बड़े भाई के किरदार में देखेंगे, जो हमेशा कोशिश करता है कि फैमिली में एका बना रहे, माँ का सम्मान बना रहे, और इस तरह की कोशिश करता है। हाँ भैया, हर रोज फिल्म देखने जाइयो, हाँ, और उसमें अपने बुंदेलखंड को कल्चर दिखाई दे, और बहुत ऐसी ऐसी बातें देखने को मिले जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो देख में जरूर जाओ। हाँ एक ऐसा एसोसिएशन हो पाना भी बड़ा मुश्किल होता आज के दौर में, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी बात है। और जिस तरह से कलाकारों का ताना बाना चुना है मनोज शर्मा जी ने, वो अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि सारे अच्छे कलाकारों को लिया है, और जो कोई भी किरदार या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा जो ये ना बोल पाए। परिवार में एक आदमी ऐसा ज़रूर होगा जो कहेगा कि हाँ यार, ये सिचुएशन तो मेरे साथ भी हुई है या मेरे परिवार में भी हुई है। उस तरह पारिवारिक ताना बाना, पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। देखिए, हमें तो आलू की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो कॉमेडी ही किरदार है, लेकिन ये है कि थोड़ा रोल अलग है तो वो आपको मज़ा आए। मनोज जी के साथ मेरी पांचवी छठी या सातवीं पिक्चर है, मुझे लगता जितनी उन्होंने फिल्म बनाई उसमें एक शुरू की मुझे याद नहीं है, वो मुझे मिलने से पहले बनाई थी। उसके बाद लगभग हर फिल्म में वो मुझे काम करने का मौका देते हैं, तो मुझे नहीं बनाया।
का तो चक्कर ये कि आज की डेट में वैसे किसी के पास टाइम नहीं है। तो आई थिंक ये टाइटल बहुत अच्छा है, ये बहुत डार्क कॉमेडी है जहाँ पर हमारे दादाजी की का देहांत हो जाता है और 13वीं तक क्या क्या हो रहा है फिल्म के अंदर। आजकल क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट वाली फिल्में चल रही हैं और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। डार्क ह्यूमर वाली कॉमेडी अभी बहुत टाइम से आई नहीं है, तो ये डार्क ह्यूमर है इसमें और सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। आप देखेंगे, मतलब अगर ये पूरी टीम थी वो फिल्म में माला माल वीकली में, तो सिर्फ ओमपुरी साहब नहीं रहे, वरना अगर वो भी होते तो फिल्म के अंदर तो ये पूरी माला माल वीकली जैसी फिल्म होती। बट सब लाफ राइट के साथ इमोशन, इमोशनल एक थिन लाइन होती है इमोशन की, वो पकड़ते एक डिसेंट फिल्म बनाई है इन लोगों ने। बहुत अच्छा, मनोज जी को तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, लास्ट मैंने उनके साथ एक पिक्चर की थी शर्मा जी की, लग गई मुग्धा गोडसे और मैं, तो मनोज जी के साथ तो मेरा बहुत क्या बोलते हैं दोस्ती है मेरी, और वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो उनके साथ सीन्स करने में मज़ा आता है क्योंकि वो मुझे खुला छोड़ देते हैं। हाँ डेफिनेटली, इस फिल्म में आप लोगों को डेफिनेटली ये लाफ राइट है, मज़ा आएगा आप लोगों को देख के। या बस हमारी फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज़ है, ये देखते रहें, और हमारा जो डोज है वो आपको सैटरडे संडे तो मिलता है शो पे, तो वो भी देखते रहें। देखिए डिटेल तो अभी फिल्म देखेंगे दो घंटे तभी मज़ा आएगा, लेकिन एक हल्का सा हल्का फुल्का एक महक मैं ज़रूर दे सकता हूँ। हमारे घरों में जैसे हमारे बुज़ुर्ग जो जिन्होंने परिवार के लिए पूरा समय दिया होता है, इस वक्त आज के माहौल में जब उनकी डेथ होती है, किस तरह से उनके परिवार के लोग जो रिश्तेदार हैं, जो पोते हैं, जो डॉक्टर बन गए या कुछ बन गए, उनको वो 13 दिन देने के लिए उस आदमी को जिसने परिवार को बनाया समय नहीं है। बस उसी 13 दिन की जो ताना बाना है उसी को मैंने बड़े कॉमेडी वे में, हल्के फुल्के माहौल में और बड़े सटायर वे में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उस परिवार के सदस्य के लिए टाइम नहीं है जिसने अपने 70 साल उस परिवार को दिए, तो उसी को मैंने बड़ा सटायर तरीके से बताने की कोशिश की है, बस यही है, टाइम नहीं है। देखिए ये फिल्म की जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरे प्रोड्यूसर मनीष जी का है। जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाया तो मुझे बड़ा अपील किया, मेरा जॉनर कॉमेडी है, मुझे मैंने कहा ये एक चैलेंजिंग काम हो सकता है, तो मैंने इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग किया, डायरेक्शन तो दे ही रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा यूनिक था। आजकल का सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेमा चल रहा है, तो मैंने कहा ये अच्छा सब्जेक्ट है और मेरा कुछ डायरेक्शन की जो मेरी फिल्में लास्ट आई हैं उनसे थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ और अलग जा सकता हूँ। तो अलग तो क्या होता है, कमर्शियल फिल्म मैंने पूरी कोशिश की है, जैसे प्रियदर्शन जी का सिनेमा होता था माला माल वीकली, उस जॉनर मेरा रहेगा, लेकिन उस शैली में हम बोल सकते हैं सब कलाकारों के साथ। लोकेशन की बात करें तो कहाँ लोकेशन इसकी मुंबई में हमने बहुत बड़ा सेट लगाया था, उसके बाद हमने राजस्थान में हम उदयपुर गए थे, और मुंबई और उदयपुर दो जगह लोकेशन से। म्यूजिक की बात करें तो कितने गाने होंगे फिल्म में? म्यूजिक फिल्म में 4 गाने हैं, मिस्टर प्रवीण भारद्वाज जिनका लिरिक्स हैं और म्यूजिक भी उनका है, चारों गाने बिल्कुल फिल्म की सिचुएशन से सटे हुए हैं, मतलब वो गाने नहीं है सीन है, तो बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, और जब फिल्म देखेंगे तो लोग वो गाने के साथ साथ वीडियो और फिल्म के साथ कनेक्टेड लगेगा। सर ये आजकल की जो सब्जेक्टिव मूवी चल रही है उनसे कितना अलग है? नहीं अलग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे हम, अलग बोल के लोग बोलते हैं अलग है, होता वही है, लेकिन तरीका अलग होता है बस। एक कॉमेडी फिल्म है, जैसे आजकल भेजा फ्राई हो गया, फंस गया ओबामा हो गया, माला माल वीकली हो गया, या आयुष्मान खुराना वाला एक सेटअप आ गया, तो ये उसी जॉनर में एक अलग तरीके से पेश किया गया कॉमेडी है और एक पारिवारिक कॉमेडी है जिसपे मतलब परिवार के सदस्य या जो भी फिल्म देखेगा वो फिल्म देखने के बाद किसी ना किसी सीन से अपने आप को रिलेट जरूर करेगा, हाँ ये तो हमारे यहाँ हुआ था, या ये उस फूफा जी की डेथ में उनके साथ भी हुआ था, मतलब वो कनेक्ट करेगी ये फिल्म। फुल एंटरटेनमेंट? यस फुल एंटरटेनमेंट पारिवारिक। ये 18 अक्टूबर को पूरे भारत में आपके सबके नज़दीक सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, और जैसे कि फिल्म का नाम टाइम नहीं है, इसके लिए लोग ज़रूर टाइम निकालेंगे, ऐसी मेरी पूरी टीम की इच्छा है। ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे लास्ट? ऑडियंस को यही बोलेंगे कि टाइम दीजिए अपने परिवार के लिए, जिस परिवार ने आपको बढ़ाया है और इस लायक बनाया है, उसके लिए टाइम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसी फिल्म का मेरा मैसेज भी यही है। थैंक यू। लग रहा है कि आज ये प्रोमो लॉन्च हो रहा है और मुझे खुशी है इसका एक पार्ट होने के नाते, इसमें मेरा भी एक छोटा सा पार्ट है, और बिंग आर्टिस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि एक और फिल्म मेरी रिलीज़ हो रही है, कृष्णा के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, एक फिल्म तो रिलीज़ हो चुकी है, तेरी भाभी है पगले,
शायद दो भाभी पगले और यस एक और फिल्म रिलीज हुई थी। आपका इसमें किस तरह का किरदार होगा, किस रूप में आपको देख सकेंगे? इसमें एक गांव का बंदा बना हूँ मैं और एक ब्लैक कॉमेडी जिसे कह सकते हैं कि बाप के मरने का इंतजार कर रहा हूँ मैं कि वो बाप मर जाए तो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। उसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद है राजपाल यादव और मेरा उसमें एक अच्छा काम है। बहुत वो इनका इससे पहले भी मनोज जी की फिल्म रिलीज हुई थी, वो तेरी भाभी पकड़े तो मनोज जी की नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक और फिल्म रिलीज हुई थी उसमें भी कृष्णा एंड मुग्धा गोडसे ये थे। कौन सी पिक्चर है वो? मुग्धा गोडसे और कृष्णा, नाम ही जो सडनली याद नहीं आ रहा मुझे। पहले उसका नाम झुंझुना था, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ चेंज किया था, लेकिन बहुत अच्छी बात है। लाइफ में टाइम है आपके पास दोस्तों के लिए, काम के लिए, सबके लिए? हमारा टाइम जो है वो हमारा नहीं, आप सबका है, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हमारा टाइम चलता रहेगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम क्या बोलना चाहिए? बस यही कि लाइफ में टाइम नहीं, कॉमेडी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप समय निकालिए ज़रूर देख कर आइएगा। शर्मा जी की लग गई वो पिक्चर थी, उसका नाम था शर्मा जी की लग गई, हाँ, और ज़रूर निकालिएगा टाइम। आपके पास में लाइफ में टाइम नहीं ऐसा मत बोलिए, लाइफ में टाइम निकालिए और ये फिल्म देखकर आइए। लाइफ में टाइम नहीं है और हंसते हंसते आपको टाइम निकल जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बहुत ही जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वेजिटेरियन, वैसे ही वेजिटेरियन फिल्म है। और बाकी में आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि हर काम करने वाले से लेकर सेठ जी से लेकर किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो ये एक सटायर कॉमेडी है। आजकल कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो मैं कभी भी अपनी फिल्म का कोई प्रमोशन होता है कभी नहीं कहता कि एक बहुत हटके फिल्म है। ये हटके एक ऐसा वर्ड होता है ना शक्ति जी, सब लोग बोलते हैं ना हमारी हटके फिल्म है, हटके फिर बात के बाद में भटके फिल्म निकलती है, पता नहीं। ये हमारी ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज डार्क कॉमेडी है और काफ़ी टाइम से इस तरीके की कोई डार्क कॉमेडी नहीं आई। और आप इसमें परफॉर्मेंसेस देखेंगे सब लोगों ने, बल्कि मुझे तो सीखने मिला है। वहाँ लोगों को डराते रहे वैसे तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं, लेकिन इस फिल्म में वाक्य में गोविंद जी, शक्ति जी और हमारे पिताश्री, ये जो महान हमारे महान कलाकार सामने खड़े हैं, एक फिल्म ऑफ रिलेशंस है। हमारी आज की जो जनता है, हमारे जो आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, कुछ संस्कृतियाँ पुरानी भूल चुके हैं और वक्त इतना तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं जो ट्रैफिक में फंसे होंगे वो भी बोलते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यार, जल्दी से ले चल। सो किसी के पास आज के वक्त में टाइम नहीं है, हर इंसान भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और इस भागने में काफ़ी कुछ खो बैठता है। तो इस फिल्म के अंदर आपको वो कुछ चंद नई चीजें मिलेंगे जो हम लोग शायद भूल चुके हैं। एंड थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स, थैंक्स टू लवली एक्टर्स मनोज जी, थैंक यू सर, अनूप जी के लिए बहुत बहुत वेलकम सर, एक बहुत शरीफ आदमी आए हैं, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। अनूप जी सबसे शरीफ आदमी है, एवर ग्रीन हीरो है, और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। गोविंद जी आपसे दो शब्द। दो शब्द मैं मनोज शर्मा की तारीफ में कहूंगा, इतना बड़ा अरसा हो चुका है मुझे काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये पहले ऐसे डायरेक्टर मुझे मिले हैं कि शॉट खत्म करके जैसे हम वैन में पहुंचे तुरंत कॉल आया, सर आपका शॉट दूसरा शॉट तैयार है। इन्होंने ये फिल्म 22 दिन में ये फिल्म कंप्लीट कर ली, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए बिना जो इतना सेंसिटिव मैसेज इस फिल्म के अंदर है वो पूरी ताकत के साथ आपको इसमें असर करता हुआ दिखेगा। मुझे पूरा इंट्यूशन है कि ये फिल्म जिस मकसद से बनाई गई है वो अपना मकसद जरूर पूरा करेगी। ऑल द बेस्ट अंजन जी।
मुझे दो शब्द कहना है, दो शब्द कहने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये कहना है कि इतने सालों में जो काम किया है मैंने, इसमें से कॉमेडी की पहचान कुछ डायरेक्टरों को है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, सबको आता नहीं, माफ कीजिएगा। इसमें मैंने एक मरहूम डायरेक्टर कुंदन शागित जी के साथ काम किया है, उसमें जो सटलिटी थी कॉमेडी के अंदर और मैसेज जो जाता था, वो डायरेक्टर इतने दिनों के बाद मिला मनोज, मैं इन प्रोड्यूसरों को धन्यवाद देता हूँ, इन प्रोड्यूसरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे डायरेक्टर को चुना, ऐसा डायरेक्टर बहुत कम मिलता है आज के जमाने में। थैंक यू। और जैसा शक्ति जी ने कहा कि इसके अंदर फैमिली की जो मैसेज है, जबरदस्त मैसेज है और इतनी सटलिटी से दिया है जो आपकी लाइफ के साथ मिलता जुलता है, इससे अच्छी फिल्म कॉमेडी में कुछ फिल्में हैं उनमें से एक है। धन्यवाद। सरकारों का, मंत्री जी का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सबने आज बहुत समय निकाला। फिल्म का नाम टाइम नहीं है, लेकिन आज हमारे लिए आपने टाइम निकाला। हम ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज कर रहे हैं और हमें आपका साथ हमेशा ऐसे ही चाहिए जैसे आज आपने हमारे लिए निकाला। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सबने समय से पहले इंतजार किया, इंतजार के लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, लेकिन सबने बहुत अच्छा समय दिया और हम यही चाहते हैं कि आप इस फिल्म को आगे बढ़ाएं। अब ये फिल्म हमारी नहीं रही, ये आपके परिवार की फिल्म है, सबकी फिल्म है और सबको इसको आगे बढ़ाना है। हमारे लिए इंडस्ट्री में पहली फिल्म है, लेकिन फिल्म पारिवारिक है और परिवार के साथ में लेकर चलती है। आपके पास परिवार के लिए टाइम होना ही चाहिए, ये फिल्म आपको साबित कर देगी कि आपके पास परिवार के लिए टाइम होना ही चाहिए। पूछा कितने प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में, बोले 8 है। मैंने कहा इनका ही खानदान आ जाए पूरा, पिक्चर हिट है। एक बात मैं आपको बता दूं, शक्ति कपूर जी हमारी मारवाड़ी दाल बाटी के बहुत बड़े फैन है, तो दाल बाटी जिसके घर पे अच्छी बनती है वो जरूर मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उनको साथ में लेके आऊंगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जो इन लोगों ने, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर्स को, जो दाल बाटी इन्होंने मुझे खिलाई है। आज तक दाल भी निकल रही है, बाटी भी निकल रही है। थैंक यू। बस लास्ट में हमारे जो चीफ गेस्ट साहब, हमारे अनुप जलोटा जी साहब आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि दो शब्द, आप तो खैर बहुत प्यारे से वैसे ही बोलेंगे। बहुत कुछ कह दिया गया है और बहुत अच्छा कह दिया गया है, आप लोगों ने खूब मजा लिया है हर बात का। लेकिन हेलो, एक आजकल मैं एक छोटा सा चुटकुला हर जगह सुनाया करता हूँ कि एक बार एक शरीफ आदमी था, वो बिग बॉस में चला गया और अपनी 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 कहानी बना ली। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सबने मिलकर फिल्म बनाई, फिल्म खूब चले, लोग बहुत उसका आनंद लें, मजा लें और अभी इसका ट्रेलर देखते हैं। थैंक यू। बस लास्ट में हम सब लोग अभी ट्रेलर देख लेते हैं ताकि हमारी बातें कितनी सही हैं वो आप लोग समझ जाएंगे। सर, 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 हाँ जी। से भी आप इमोशंस की जितनी डिग्री आप आपके हिसाब से जरूर लगे, आप अपने हिसाब से परफॉर्म कीजिए। इनके इन्होंने जो ये छूट दी उसकी वजह से मैं इस कैरेक्टर में बहुत अंदर तक घुस गया और आप देखेंगे छोटे छोटे सीन्स में बहुत ही इम्पैक्टफुल इमोशंस देखने को मिलेंगे आपको और उस सीन का पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो उस पर्टिकुलर सीन में इम्पैक्ट रिक्वायर्ड है। सो तो मैं एक बार फिर अपने डायरेक्टर दोस्त की तारीफ करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोग ये फिल्म जरूर देखें
आप तो देखेंगे आपकी अपनी फिल्म है, मैं चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से इस फिल्म को जिस तरह से भी प्रमोट कर सकें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस फिल्म को जरूर प्रचारित करें, ये फिल्म अपना सही मुकाम पा सके, इस तरह की कोशिश हम चाहते हैं कि आप भी करें। थैंक यू वेरी मच। तो एज अ जूनियर होने के नाते मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख रहा था एवरी डे। झूठ बोल रहा है, ये सबको सिखा रहा था। नहीं सर, ऐसा बोलना पड़ता है। नहीं, बट जेन्युइनली ये तो मस्ती मजाक की बात है, बट जेन्युइनली मैं ये मीडिया के लिए किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं सेट पे भी कहता था गोविंद जी को, मैंने कहा कि आई हैव सीन हिम सो मच वर्किंग इन सो मेनी फिल्म्स, बट मैं इनको सीन्स करते देखता था इतने डूब के, अंजन जी माय गॉड, इतने बढ़िया सीन्स हम लोगों ने किए, इतनी गर्मी थी, मुझे गर्मी सहन नहीं होती है, लेकिन सेट पर हम लोग सब गर्मी वर्मी भूल के हमारे सीन में खो गए थे, तो इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी वर्किंग। मैंने मनोज जी के साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म है, बट आई थिंक ये फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी बहुत अलग था, और हमारे सेट पर रोज़ ताली बजती थी, मनोज जी को मैं कहता था कि रोज़ कोई ना कोई लाइट मैन या कोई ताली बजाता था, तो 22 दिन तो ताली बजी है, तो इसका मतलब हमारे अगर 22 सीन भी माइंड ब्लोइंग हो गए तो हमारी फिल्म इसका मतलब बहुत बढ़िया है। गोपिका ये हिलेरियस, जो एकदम नेचुरल है, जो डिमांड है उसमें, जो किया है इन लोगों ने, बात करेंगे ये जरा ऐसे भी घुमा के ले लीजिए। ये मनोज जी का शुक्रिया कि लगभग मेरी ये सातवीं फिल्म साथ में है, तो ऐसा लंबा एसोसिएशन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हर बार अलग रोल होता है, इस बार का रोल आप देखेंगे तो उसका मज़ा आएगा। मेरे साथी कलाकार जब उस पर मजाक करते हैं या उस पर बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कलाकार जो है निश्चल होता है, निष्काम होता है, तो वो आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो इतने मेरे साथी कलाकारों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, उसके तकिया कलाम को या उसके भाषा को, तो मुझे मेरे लिए वो भी बड़ी उपलब्धि की बात है। और तीसरी बात ये है कि इस फिल्म का कोई भी एक सीन या दो सीन या तीन ऐसे सीन होंगे जो हर व्यक्ति को उसके अलग अलग अनुभव के हिसाब से याद आएंगे कि हाँ ये तो मेरे परिवार में हुआ था, ऐसा तो मेरे भाई के यहाँ हुआ था, ऐसा तो मेरे फलाने के यहाँ हुआ था, तो पूरी तरह से इसलिए भी ये पूरी तरह पारिवारिक फिल्म हो जाती है। बाकी तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे भी ले लेंगे। बड़े में हमारे एक और गेस्ट हैं यहाँ पीछे जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे आगे रहते हैं, योगेश भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप देखते हैं हमारे बैनर लगे होते हैं ब्राइट वाले, तो हिंदुस्तान में जितने बैनर लगते हैं वो यही लगाते हैं सारी फिल्मों के, तो इनके लिए जोरदार ताली। मिस्टर योगेश लखानी लगा देते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं योगेश जी के लिए एक बात जरूर कहूंगा, मैं पहले इनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन एक मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी उसका थोड़ा पब्लिसिटी के लिए बजट नहीं था, तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे इनके पास गया और मैंने बोला कि ये फिल्म है, इसका बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आप कुछ बैनर हमें दे देंगे तो। मुझे यकीन नहीं आता है कि इन्होंने पूरे बॉम्बे में एक रिलेशन के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए जिसके पास पैसा नहीं था, कुछ इतने बड़े बैनर लगा दिए। अगर बिल बनाने जाएँ तो आज उसका 30-35 लाख का बिल होगा, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। इसका मतलब ये पैसे नहीं लेते हैं ऐसा कुछ नहीं। लखानी हो आप तो ऐसे कैसे। उसके बाद बोले मैं अस्पताल खोल रहा हूँ वहाँ आ जाना, फिर जयपुर में मेरा शो है वहाँ आ जाना। नहीं, इनका जो अस्पताल भी है इन्होंने फ्री, बहुत इन्होंने समाज के लिए किया है। इन्होंने कहा मुझे एक दिन कि समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी आज समाज को वापस कुछ करके दिखाना है। हॉस्पिटल खोला है, पूरा फ्री इलाज करते हैं सर ये। आप कुछ बोलेंगे योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे योगेश भाई? मतलब आप जैसे बड़े प्रोड्यूसर से पैसा लेने का और छोटे लोग को फ्री में देने का, ऐसा अरे हमारे चार चार प्रोड्यूसर है, एक एक 35-35 देगा, ऐसी मतलब होल्डिंग ऑल इंडिया लगेंगी, आज कंफर्म हो गया है किसे सुनाने के बाद।
जितने भी सुपरस्टार्स जो थे ना पहले ऐसे छोटे ही थे, उनकी पहली पिक्चर मैंने की है, तभी मैंने सबको सपोर्ट किया है। तो आज वो इतने बड़े बन गए तो उनका करोड़ों का काम भी मुझे बिजनेस पैसे से ही मिलता है। तो पहला दिन मैंने फ्री दिया, उसका फायदा हुआ फ्यूचर में। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अब मैं ये फिल्म लाइफ में टाइम नहीं है, सबको देखनी चाहिए, अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए। और मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को फील करता हूँ कि मुझे एक ऐसी इमोशनल सेंसिटिव फिल्म में काम करने का मौका मिला। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस फिल्म को देखें और ऐसे नए प्रोड्यूसर्स को हेल्प करें ऐसी फिल्म को सक्सेस बनाने में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है। एंड आई विश द मीडिया all the best and the media should come forward, and if they like the film they should help publicizing this film in a big way so that it does a major business and becomes a big success. Main purane avatar mein nahi hu, isme ek parivarik film hai. Jaise maine bola ki maine Rajshri ki ek film ki thi jiska naam tha Hum Saath Saath Hain, to wahi feel degi ek इंडियन फैमिली के बारे में कि हमारे आज के युग में जो नौजवान हैं वो धन दौलत कमाने के चक्कर में अपने परिवार को कैसे भूल गया है, और ये भी भूल गया है कि घर में परिवार में अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए क्या पूजा करनी चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, और जो एक हिंदू धर्म है उसको फॉलो नहीं करते हैं आज के नौजवान। बोलते हैं कि टाइम नहीं है, हमको एक दिन में जाना है, अगर चौथा है वो भी पहले दिन कर लो, अगर तेरहवा है वो भी पहले दिन कर लो, एक ही दिन में सब कुछ निपटाओ। ये भूल जाते हैं कि जिस आदमी को आप निपटा रहे हो एक ही दिन में, उसी ने आपको अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई में पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी में शादी करवाई है, और आप बोलते हैं कि अब इसको एक ही दिन में निपटा दो, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। सर, मैं काफ़ी अच्छा, सर मैंने वो फिल्म देखी छिछोरे, और मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म थी। पिक्चर जब ख़त्म हुई तो मैं मेरे से उठा नहीं गया, मैं दो मिनट या तीन मिनट तक रोता रहा, आंखों से आंसू रोक नहीं पाया था। तो मेरी बेटी ने मुझे संभाला, सुशांत ने संभाला, मैंने कहा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए और ऐसे डायरेक्टर हमारे कंट्री में होने चाहिए और ऐसे प्रोड्यूसर जो साजिद भाई हैं जो कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ ऐसी फिल्में भी बनाते हैं जो ये सोच के नहीं बनाते कि इसमें पैसा बनाना है, क्योंकि फिल्म अच्छी होती है तो ऊपर वाला खुद ब खुद उनको पैसा देता है, क्योंकि नियत, वो कहते हैं ना भगवद गीता कहती है नियत तेरी साफ़ हो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर में ही मथुरा का अच्छा है, घर में मथुरा का अच्छा। किसके सपोर्ट में? हाँ, वो हरियाली के बहुत प्यार करती है, वो उसके खुद के रूम में इतने पौधे लगे हुए हैं और वो पौधों को बच्चों की तरह परवरिश करती है, पानी देती है, तो उसका बहुत दिल टूटता है जब कोई किसी दरख्त को काटता है या हरियाली का थोड़ा सा ख़राब करता है। तो शी लव्स नेचर, वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है और उसको दिल टूटता है, वो कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, अगर हम उसको काटते हैं तो हम किसी का हाथ काटते हैं वैसे उसमें से भी खून निकलता है, वैसे ही पौधों को भी तकलीफ़ होती है, जब उसको जड़ से निकाल देते हैं तो उनकी मौत हो जाती है जैसे इंसान की मौत हो। मैं तो बोलूँगा कि ये हरियाली को तो हमको नेचर को तो रखना चाहिए, नहीं तो ये एज इट इज़ ये धरती का हम लोग इतना बोझ उसके ऊपर डाल रहे हैं और जो नेचर को है उसको काट रहे हैं और उसकी जगह दूसरा गलत बोझ डाल रहे हैं, ये नेचर बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए नेचर को कंट्रोल में रखो। थैंक यू सर, थैंक यू।